अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे, आप सभी अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी है जी शाम का टाइम, बस आते ही मुझे सबसे पहले बिस्तर दिख गए, क्योंकि बिस्तरों की जो तय है वो ढंग से नहीं बन रही थी। हुआ कुछ यूँ था आज, आज सुबह, वैसे तो बिस्तर मैं ही रखती हूँ, मेरी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन आज सुबह रिदा ने रखी है बिस्तर, तो जल्दबाजी में पता नहीं कैसी तय बनाई है। वैसे तो वो तय कपड़ों की बहुत अच्छी बनाती है माशाल्लाह से, लेकिन पता नहीं कैसे जल्दबाजी में ऐसे ही छोड़ दिए थे, और मेरा ध्यान नहीं गया स्कूल से आने के बाद, बस अभी मेरा ध्यान गया, तो मैंने सोचा पहले बिस्तर की अच्छे से तय बनाकर फिर उनको सेट कर लेते हैं। फिर इधर मैं किचन में आ गई, जैसे कि स्कूल से आने के बाद कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ही सही, या हल्का फुल्का नाश्ता, भूख लगती है तो थोड़ा बहुत नाश्ता अगर रहता है कुछ तो मैं खा लेती हूँ, वही कर लेती हूँ। और इसके अलावा जैसे कभी शिकंजी बना ली नींबू की, कभी मैंने कॉफ़ी का अगर मन किया तो कॉफ़ी पी ली, अभी तो मैं दही की लस्सी बना रही हूँ। आज सुबह मैं दही खाकर नहीं गई थी, तो बच रहा था वो दही मेरे हिस्से का, तो मैंने सोचा चलो इलायची पाउडर डालकर थोड़ी सी चीनी डालकर अपने लिए मज़ेदार सी दही वाली लस्सी बना लेते हैं। मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, एक तो लस्सी पसंद है, नींबू की शिकंजी, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये कपड़े मैं सुबह डाल गई थी वैसे तो, कि चलो आज अच्छी खासी धूप आ रही, वैसे तो अब बारिश मुझे लग रहा है कि चली गई, अब नहीं आएगी बारिश, क्योंकि अब हमारे यहाँ मौसम इधर तो शिपरी में बहुत अच्छा हो रहा है, तेज़ धूप आ रही है, बारिश जैसा मौसम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, वैसे तो लग तो यही रहा है बारिश कि अब नहीं आएगी। जैसे कि आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के इस मौके पर मेरे जितने भी हिंदू व्यूवर्स हैं, आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद। और बस मेरी तो अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ रहती है कि सब भाई बहनों के बीच में हमेशा प्यार मोहब्बत कायम रहे। मैं अपने बच्चों की इस मामले में तारीफ़ करूँगी कि कभी भी उन्होंने शाम के नाश्ते को लेकर, चाहे वो नाश्ता मिले ना मिले, किसी तरीके की कभी उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सिचुएशन समझते हैं कि पहले बात अलग थी, अब मम्मी स्कूल से आती हैं तो एकदम से नहीं बना पाती, या तो वो रास्ते से लेकर आती हैं, या फिर जो घर में होता है वही हम नाश्ते में ले लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं तो वही ले लेते हैं वो। अभी नाश्ते का टाइम भी हो गया था, तो बस नाश्ता भी लग चुका है, नाश्ते में है मीठी वाली बूंदी और सेव नमकीन वाले हलवाई वाले, साथ में बिस्किट और बनाना, तो बस ये नाश्ता हम लोगों ने किया। अब अभी कुछ दिन पहले मैंने बच्चों से जिक्र किया था कि हम बचपन में सेव और बूंदी मिक्स करके खाया करते थे, बस बच्चों को यकीन ही नहीं हुआ कि मम्मी आप मीठा और नमकीन कैसे मिक्स करके खाती थी, तो मैंने कहा बच्चों से कि खाते थे हम लोग, कि मम्मी फिर है ना लेकर आना, हम भी टेस्ट करके देखेंगे कि सेव और बूंदी को मिक्स करते हैं तो कैसा लगता है खाने में। तो फिर उन्होंने खाया नाश्ते में आज, तो माशाल्लाह से उनको अच्छा लगा कि हाँ मम्मी अच्छा लगा ये, तो सेव और बूंदी को हमने मिक्स करके खाया ना, तो एक अलग ही टेस्ट आया। और इधर MP में खाते हैं इस तरीके से, सेव और बूंदी को मिक्स करके खाया जाता है, अलग अलग भी खाते हैं कई लोग, लेकिन ज़्यादातर मिक्स करके खाते हैं। सब्जी की तो समझ में ही नहीं आता रोज़ रोज़ कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए, क्योंकि वही सब्ज़ी रिपीट हो जाती है। बच्चों को रिपीट सब्जी तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं सोचती हूँ जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है, कभी कभी बीच में दाल भी बना लिया करूँ, कभी बेसन की सब्ज़ी बना लूँ, लेकिन बच्चे पसंद ही नहीं करते। दाल बने तो फिर उनके लिए अलग से चावल बनाओ, बेसन की सब्ज़ी भी वो कोई खास पसंद नहीं करते हैं, भले ही सब्ज़ी जैसे कि मिक्स वेज मेरे यहाँ कई बार बनती है, आप लोग खुद देखते हैं, रिपीट हो जाए तो खा लेंगे, लेकिन नहीं, दाल और बेसन की सब्ज़ी नहीं मम्मी, बना लो मिक्स वेज, आज भी बनाई है तो कल भी बना लेना, ऐसे कहते हैं। तो फिर क्या करूँ, उसी हिसाब से सब्ज़ी भी लेकर आनी पड़ती है। तो अभी बस रात के खाने में मैंने भिंडी बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी, मैंने बच्चों के साथ थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था अभी, इसलिए नहीं खाऊंगी। और वैसे भी वीक में हमें एक दिन फास्ट करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, इससे देखिए हमारा पेट भी ठीक रहता है और हमारा जो लीवर है, लीवर को भी रेस्ट मिल जाता है। तो मैं करती हूँ एक दिन का फास्ट, बीच में कर लेती हूँ किसी दिन, और कभी कभी तो मेरा यही रहता है अगर मैंने हल्का सा नाश्ता भी कर लिया तो फिर मैं रात को खाना नहीं खाती, रात को फिर मैं ब्रेक लेती हूँ।
किचन का तो पूरा काम हो चुका है, बस एक काम और बच रहा था। मुझे ये साबूदाने रात में ही भिगो कर रखने थे, रात में भिगो कर रखने थे, हमारे जो साबूदाने हैं वो अच्छे फूल जाते हैं। जब भी मुझे खिचड़ी बनानी होती है तो मैं साबूदाने को रात में ही भिगो कर रखती हूँ। खिचड़ी बनानी हो या फिर मुझे खीर बनानी हो तो रात को ही रख देती हूँ, जिससे कि वो फूल कर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है और बच्चों के नाश्ते की तैयारी चल रही है यहाँ पर। रात भर नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद तकरीबन 2:30 का टाइम होगा, हाँ उस टाइम ही मैं उठ गई थी ट्विंकल की आवाज़ सुनकर। ट्विंकल के ऐसा लग रहा था जैसे कि पेन हो रहा है और वो पेन से कराह रही है। रात को हम लोग सोने से पहले ट्विंकल, ओडी और उसके बेबी को पिंजरे में रख देते हैं, तो वो आराम से पिंजरे में सोते रहते हैं, फिर वो सुबह ही उठते हैं जब मैं उठती हूँ तब। लेकिन पता नहीं रात को ट्विंकल को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या हो रहा था, वो बहुत बुरी तरीके से कराह रही थी। फिर मैंने उसे पिंजरे से बाहर निकाला, बाहर निकाल कर अपनी गोद में सुलाया। बहुत देर तक तो उसको सहलाती रही, बच्चे भी उठ गए थे कि मम्मी क्या हो रहा है, लाइट कैसे जल रही है। मैंने कहा बेटा पता नहीं ट्विंकल को क्या हो रहा है, अब रात में जाए तो कहाँ जाए, यहाँ तो पेट का हॉस्पिटल भी हम लोगों को वैसे अभी पता नहीं है, क्योंकि शिवपुरी में ऐसा ट्विंकल के साथ पहली बार हुआ है और इससे पहले 12 में हो चुका है 1-2 बार, तब तो हम उसे ले गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो ठीक हो गई थी, पर अभी पता नहीं क्या हो रहा था। तो उसको देखकर, उसकी हालत देखकर हम लोग भी घबरा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बेजुबान अलग है बेचारी, कुछ बता भी नहीं सकती कि उसको क्या हो रहा है। तो बस मेरी गोद में ही वो लेटी रही और मैं उसे सहलाती रही, सहलाते सहलाते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। और जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो उस टाइम बज रहे थे जी 4:30। 5 बजे तो मैं वैसे ही उठ जाती हूँ, फिर अब आधे घंटे के लिए मैं क्या सोती, तो फिर उठ गई तो उठ गई, अब दिन में भी नहीं सो सकते क्योंकि दिन में तो खैर मुझे नींद भी नहीं आती और मैं स्कूल रहती हूँ। तो इस तरीके से जी हम लोगों की पूरी रात गुजरी, बस मुझे बार बार यही लग रहा था ऐसे कुछ ना हो, इसे कुछ ना हो, क्या हो रहा है, इसको समझ में ही नहीं आता जी जानवरों का, क्या करें हम। ओडी ट्विंकल को हमने तब से पाला है जब से कि वो 2 महीने के थे, मतलब 2 महीने का हम लेकर आए थे और माशाल्लाह से देखते ही देखते वो काफ़ी बड़े भी हो गए और हम लोगों को उनसे लगाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है, उन्हें भी हो गया है, उनके बिना तो हमें अच्छा लगता ही नहीं है, सुना सुना सा लगता है बिल्कुल। हम उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब मेरी यहाँ शिवपुरी में जॉब लगी थी ना, तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि रेंट के पोर्शन में हो सकता है इन्हें कोई अलाउ करे ना करे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो क्यों ना अपन शिवपुरी जाने से पहले अपने किसी मिलने वाले को इनको देकर चलते हैं। तो मैंने साफ मना कर दिया था कि नहीं नहीं, हम लोग यहाँ रहेंगे, वहीं हमारे साथ हमारे ओडी ट्विंकल भी रहेंगे, बिल्कुल मना कर दिया था मैंने। तो तब से ओडी ट्विंकल हम लोगों के साथ ही रहते हैं। और जी जब हम लोग 12 जाते हैं तो हम लोगों के साथ वो 12 भी जाते हैं, आप लोगों ने देखा ही है, टोकरियों में बंद करके हम उन्हें ले जाते हैं। आप लोगों से बातें करते करते मेरे किचन का काम भी पूरा ही हो गया, बस रोटी बननी बाकी है, तो रोटी भी अभी मैं बना लूँगी और उसके बाद सबसे लास्ट में मुझे नहाना है, नहाने के बाद फिर स्कूल के लिए रेडी होना है। तो सैलेड में लाजमी लेती हूँ, खीरा है तो सही है, नहीं है तो प्याज ले लेती हूँ, तो अभी बस मैं खीरा कट कर रही हूँ और उसके बाद सीधे खाना खाऊँगी। एक कमेंट आया था अर्शिल और शान को लेकर कि बच्चों जल्दी जल्दी अपनी खाला के घर आया करो, तो बच्चे तो आ जाएं लेकिन कैसे आएं, क्योंकि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना लोड रहता है कि आजकल के बच्चे कहीं आने जाने की सोच भी नहीं पाते, पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, यहाँ तक कि जो संडे का दिन मिलता है ना, वो संडे का दिन भी उन लोगों का पढ़ाई में ही गुजरता है। तो ये देखिए, ये है मेरा खाना, मिक्स वेज बनाई थी, रोटी, साथ में ये साबूदाने की खिचड़ी जो मैंने बनाई है उसे मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी, दही है साथ में, प्याज। अब खीरा जो मैंने काटा था वो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा काटने के बाद, तो उसमें अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो बेकार सा टेस्ट आ रहा था, पता नहीं कैसा था, तो पूरा खीरा मुझे फेंकना पड़ा।
तो आप लोग भी आ जाइएगा, खाना खा लीजिएगा बस। और खाना खाने के बाद मैं स्कूल के लिए रवाना होऊंगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है, बिल्कुल लास्ट टाइम पर ही मैं खाना खाती हूँ। फिर जल्दी जल्दी मुझे बस स्टैंड पैदल ही जाना होता है, टैक्सी नहीं लेती हूँ। अगर मैं लेट हो रही होती हूँ तभी मैं टैक्सी लेती हूँ, नहीं तो फिर पैदल पैदल जाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा टहलना नहीं हो पा रहा। इस बहाने मेरा टहलना भी हो जाता है, सुबह एक्सरसाइज तो हो जाती है मेरी हल्की फुल्की, पर टहलना नहीं हो पा रहा था कि चलो वहाँ तक हो ही जाता है फिर टहलना। तो चलिए खाना खा लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए हमारे ग्रेसी की शरारत, हमारी जो ग्रेसी है वो किस तरीके से शरारत कर रही है, इस डिब्बे में से निकलना चाह रही है लेकिन निकल ही नहीं पा रही है, बहुत कोशिश कर रही है, काफ़ी जद्दोजहद करती है और उसके बाद वो निकल भी जाती है। तो आप लोग इस क्लिप को पूरा एंजॉय कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा कि वो किस तरीके से निकलती है। और उसकी जो मम्मा है ट्विंकल, वो उसे बराबर चिल्लाती रहती है उसके ऊपर कि गिर जाएगी, अपनी भाषा में उस पर चिल्लाती है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानती है और निकल कर ही मानती है। ग्रेसी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है और तरह तरह की एक्टिविटी वो करने लगी है, तो हमें भी उसे देखना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि ऐसे हम थोड़ा सा डांटते हैं ना कि ये काम मत करो, समझाते हैं, तो वो नहीं करती है वैसा काम, मतलब समझती है थोड़ा बहुत कि हाँ ये मुझे डांटा जा रहा है। कुछ व्यूवर्स के नाम जिन्होंने दुआएं करवाई हैं, शहनाज अवरार, फ्लावर फ्लावर, रुबीना जी। तो आप सभी लोगों के लिए मैं अल्लाह ताला से अपनी हर नमाज में दुआ करूंगी कि आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करें, अल्लाह ताला सबको अपनी जुबान में रखें, सबकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी करें। और ये देखिए हमारी जो ग्रेसी है वो बाहर निकल आई, ग्रेसी की जो कोशिश है वो आखिर बेकार नहीं गई, कहते ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी बस इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।